जय 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 भीम का नारा लग रहा है, कहीं उधर हो जाएगा वोल्टेज डीम। इस बार जनता के जो मैं आवाज सुन रहा हूँ वो एक ही बात बोल रही है, जन जन की यही पुकार, इस बार शिक्षित उम्मीदवार। ये लोग हैं, नौजवान हैं, मैं कहूंगा उनसे कि अगर करियर चुनना है तो राजनीति पहला चुनिए, क्योंकि विजय जेपी का नारा लगाकर जेपी भाई पटेल मैदान में उतरे हुए। कहते हैं जहाँ पर जेपी वहीं पर विजय, मतलब विजय जेपी। अरे ये नारा चुनावी है, यहाँ पर चर्चा खर्चा पर्चा यही चलता रहता है। तो मैं आज ही जीत दर्ज कर देता हूँ, क्योंकि उधर तो कोई काम ही नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से भीड़ और हुजूम है, 1 लाख से नीचे नहीं आने वाला है। सबसे पहले आप नामांकन करने जा रहे हैं, डॉक्टर नाजीर अंसारी के नामांकन में मौजूद भीड़ के तस्वीर को देखें और आंकलन करें कि इस बार की तस्वीर क्या होने वाली है। वीडियो को आप 10 से 20 सेकंड के क्लिप में देखें। सबसे पहले नाजिर जी बहुत बहुत बधाई आपको, आपने देश में उभरते हुए पार्टी का भरोसा जीतने का काम किया। आजाद समाज पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, जनता जनार्दन के भरोसे को कैसे जीतेंगे आप? सबसे पहले आपके न्यूजीलैंड के सारे दर्शकों को मेरा जय भीम, जय जोहार, जय झारखंड। देखिए आज़ाद समाज पार्टी एक, या आज़ादी इसलिए नाम है क्योंकि हमें कुछ चीज़ों से आज़ाद होना है, जैसे परिवारवाद से आज़ाद होना है, जैसे हमें धर्म से आज़ाद होना है, हमें संविधान को लेकर चलना है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम ये मांडू की जनता जो है अब यह आज़ादी चाहती है परिवारवाद से, और एक नई राजनीति, एक नया परिवर्तन की तरफ बढ़ चुका है ये। नाजिर जी भारी लौ लश्कर के बीच में आज आप नामांकन करने जा रहे हैं, ये वोट में तब्दील होगा क्या? ये कोई पैसे से बुलाया हुआ भीड़ नहीं है, आप किसी जनता से पूछ लीजिए, वो आपको अपने दिल की बात, अपने दुख, उसको आपके दुख की बात आपको बताएगा कि क्या हो रहा था। मेरे आने से एक मनोबल इनका बड़ा है और मैं इनका मनोबल हमेशा के लिए रखूंगा। नाजिर अंसारी जिंदाबाद के साथ साथ सबसे पहले आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान रचयिता उनके तस्वीर को लगाए हैं और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए आप चल रहे हैं। जय 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 भीम का नारा लग रहा है, कहीं उधर हो जाएगा वोल्टेज डीम? एकदम होगा वोल्टेज डीम, डीम नहीं हो रहा है, अब वो लोग डीम में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अब ये नया उजाला लिखेगा, एक नए राजनीति लिखने जा रहा है और एक नई तारीख लिखेगा मांडू विधानसभा कि अब कुछ न परिवारवाद नहीं चलेगा, और आप जो जनता को जैसे ठग रहे थे कोई लोभ लाचा कोई प्रलोभन नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं, आप बहुत अच्छी तालीम हासिल की है, एक बड़े हाईकोर्ट में आप अच्छे अधिवक्ता के रूप में हैं, उसके बावजूद आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि आप चुनावी मैदान में आ गए? देखिए सबसे पहले तो मैं सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, मैं कहूंगा उनसे कि अगर करियर चुनना है तो राजनीति पहला चुनिए, क्योंकि अगर राजनीति ही नहीं होगी तो आप अपने समाज का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि विधानसभा एक ऐसी मंदिर है जहां सारे अपने लोगों के लिए नियम कानून वहीं से बनते हैं, और वो जो कानून नियम बनते हैं अगर वहाँ शिक्षित लोग नहीं जाएंगे तो मेरे ख्याल से जो पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग, शोषित वर्ग है उनके लिए कोई नियम और कोई लाभदारी, कोई कल्याणकारी कोई योजना ही नहीं बनेगी। नजीर साहब प्रमुख मुद्दा इस बार आपका क्या होने वाला है? हमारा पहला और प्रमुख मुद्दा होगा रोजगार और पलायन रोकना। विजय जेपी का नारा लगाकर जेपी भाई पटेल मैदान में उतरे हुए। कहते हैं जहां पर जेपी वहीं पर विजय, मतलब विजय जेपी। अरे ये नारा चुनावी है, यहां पर चर्चा खर्चा पर्चा यही चलता रहता है, तो ये करने दीजिए, लोगों का काम है कहना, करने दीजिए। तिवारी महतो ने नामांकन किया और नामांकन में उन्होंने कहा कि वो भी मोदी जी के जैसा काम करेंगे, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और जितने भ्रष्टाचारी हैं तमाम लोगों पर शिकंजा कस के जेल भेजेंगे। अगर उन्होंने ये बात कहा है तो मैं समझता हूँ मैं आज ही जीत दर्ज कर देता हूँ, क्योंकि उधर तो कोई काम ही नहीं हुआ है। नहीं चलिए अंतिम, जनता जनार्दन नाजिर अंसारी को वोट क्यों दे और क्यों आप यहाँ के विधायक बने? देखिए इस बार जनता के जो मैं आवाज़ सुन रहा हूँ वो एक ही बात बोल रही है, जन जन की यही पुकार, इस बार शिक्षित उम्मीदवार, क्योंकि इस बार अगर शिक्षित उम्मीदवार आया तो मुझे लगता है कि पिछले का भ्रष्टाचार भी निकालेगा और आगे की रणनीति तय करने में, एक विजन रखने में उनको आसानी होती है। तो इंशाल्लाह मैं भगवान खुदा से दुआ करूँगा कि इनकी मनोकामना पूरी हो और हम एक नया विकास का रचना करें। शिक्षित उम्मीदवार के जीत की तस्वीर क्या होगी, कितने आंकड़े लाएंगे सर आप? मुझे तो लगता है कि जिस तरह से भीड़ और हुजूम है 1 लाख से नीचे नहीं आने वाला है। 1 लाख पार। चलिए तो एक और विजय जेपी अपने जीत का नारा दे रहे हैं, वही दूसरी तरफ तिवारी में तो रामांडू विधानसभा में तिवारी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो वही यहाँ पर जय 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 भीम का नारा लगा के बाकी सबका हो जाएगा वोल्टेज डीम का यहाँ पर नारा लगा हुआ है। मनाए अपने त्योहार को स्टाइल के साथ, वह भी 30% तक के आकर्षक छूट के साथ।
इतना ही नहीं, हमारे एकेडमिक कोर्स पर भी आपको 50% तक की भारी छूट दी जा रही है, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाएंगे। स्टूडियो 11, जहां हेयर कटिंग, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर हाइलाइटनिंग, नैनोप्लास्टिया, केराटिन, वहीं स्किन ट्रीटमेंट में हाइड्रा फेशियल, ब्लीच, डी टैन जैसे कई अन्य ब्यूटी वर्क्स होते हैं। हमारा पता है स्टूडियो 11, फैमिली सलून, जीएस कॉम्प्लेक्स, नियर पंचवटी अपार्टमेंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें